हाय, वेलकम टू ब्रिटिश एजुकेशन सर्विसेज। माय नेम इज जिस जोसेफ। सो आज मैंने बात करना है केयर गिवर कोर्स के बारे में, नैनी केयर गिवर कोर्स। सो बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा और मैंने भी बहुत वीडियोस बनाया हुआ है। सो मैंने आज चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे कि केयर गिवर कोर्स और नैनी केयर गिवर कोर्स क्या होता है। सो ये तो जस्ट बिगिनर्स के लिए, जो जिसने सोच रहे हो कि ये करना है या नहीं, तो ये पढ़ के क्या फायदा है, ये है कि मीन्स नैनी कोर्स क्या है, वो जो सोचते हैं उनके लिए। तो एंड तक देखना, आपको एक आइडिया मिलेगा एंड शायद हो सकता है आपके एक करियर भी इसी में बन जाए। सो नैनी केयर गिवर कोर्स सी एक्चुअली इसमें हमने पढ़ाते हैं केयर गिविंग, राइट। सो वो हो सकता है चाइल्ड को, चाइल्ड और ओल्ड और नहीं तो डिसेबल्ड, ऐसे थ्री सेक्शंस पे जो लोग होते हैं, नॉर्मली हम बोल सकते हैं पेशेंट्स हो या नहीं तो चाइल्ड हो। सो इनको केयर करने के लिए हमने जो पढ़ाते हैं इसमें क्या क्या जो बेसिक्स है वो हमने पढ़ाते हैं केयर गिवर कोर्स में। आपको पता ही होगा जो केयर गिविंग साइड है उसमें तो बहुत सारे कोर्सेस है, अभी नर्सिंग भी केयर गिविंग में आते हैं और डॉक्टर्स भी केयर गिवर्स ही है एंड सभी तो केयर गिवर्स ही है, बट इसकी सबसे बेसिक लेवल पे जो होता है वो है नैनी या केयर गिवर्स, राइट। सो ये कहाँ पे यूज होता है, ये कहीं भी यूज होता है, मीन्स इंडिया में भी इसको वैल्यू है एंड बाहर जाके भी इसको वैल्यू है, यूके कनाडा सब जगह पे इसकी वैल्यू है। देन इधर पंजाब में यानी तो इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि ये तो बाहर जाने के लिए, बट इंडिया में भी इसको बहुत सारे स्कोप है, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। सो सबसे पहले हमने देखते हैं कि केयर गिवर कोर्स में पढ़ाते हैं क्या क्या है। सी एक्चुअली हमने इसमें पढ़ाएंगे जेरियाट्रिक्स, मीन्स ओल्ड केयर के रिलेटेड, मीन्स ओल्ड पीपल को जो जो जरूरत होता है, जो हो सकता है उनको मूवेबल नहीं है वो, अदरवाइज बेड रिडन हो यानी तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होता ही है, उनको कैसे हमने केयर करना है। सी एक्चुअली आपने वेरी डिटेल में केयर करने का जरूरत नहीं है, सी एक्चुअली वो तो नर्सेस की जरूरत मीन्स काम है यानी तो डॉक्टर्स की काम है, आपकी है कि जो फर्स्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट, अदरवाइज फर्स्ट पर्सन टू ट्रीट देम। सो कोई भी बहुत इमरजेंसी आ जाए, सबसे फर्स्ट पर्सन यू आर द फर्स्ट पर्सन, राइट, द केयर गिवर्स आर द फर्स्ट पर्सन। सो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि केयर गिविंग की बेसिक्स क्या है, क्या करूं, अगर नहीं तो आप कुछ गलत कर लिया तो उनका ना लाइफ खतरे में ही है। सो दैट्स द रीजन वी आर टीचिंग द केयर गिवर कोर्स। सो ये बेसिकली टू टाइप के होता है, वन ईयर का भी है, सिक्स मंथ्स का भी है। सो चाइल्ड केयर में अगर ज्यादा आपने कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, फिर नॉर्मली जो कनाडा जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए नैनी केयर गिवर कोर्स कराते हैं एंड सो फॉर यूके पीपल वी टीच केयर गिवर कोर्स, राइट। इसमें ज्यादा ओल्ड पर्सन का, ओल्ड पीपल का मीन्स हमने कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बट स्टिल वहां पे भी चाइल्ड के बारे में भी बताएंगे, राइट। सो फर्स्ट मैंने आपको बोला इसके फर्स्ट टॉपिक है जेरियाट्रिक्स, इसके बाद पीडियाट्रिक्स आता है जो चाइल्ड केयर के रिलेटेड कोर्स मीन्स चाइल्ड केयर के रिलेटेड टॉपिक्स आएगा, जिसमें बच्चों को कैसे हमने हैंडल करना है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कैसे, और अगर आपने बाहर जा रहे हो तो वहां पे हमने कैसे बिहेव करना है बच्चों के साथ, और नहीं तो उनके उनको कैसे कैसे उनको कोई ना कोई मीन्स इंस्ट्रक्शन कैसे दूं, या नहीं तो कैसे पढ़ाऊं उनको, या नहीं तो उनको कैसे केयर करूं, ये सभी हमने पढ़ाते हैं पीडियाट्रिक्स में। एंड आपको ये बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए जो जो स्किल्स चाहिए, मीन्स चाहे वो CPR हो, फर्स्ट एड हो, यानी तो बर्निंग में यानी तो ड्रोनिंग में, ऐसे ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में एक बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए क्या क्या आपने पढ़ना है, वो सभी हमने सिखाएंगे आपकी ये केयर गिवर यानी तो नैनी केयर गिवर कोर्स में। एंड आपको रिपोर्टिंग पढ़ना होगा, रिपोर्टिंग मीन्स आपने वहां पे आप जाके अपने कोई बच्चों को यानी तो पर्सन को आप केयर कर रहे हो, वहां पे आपको पता ही होगा कि हमने उनकी बच्चों का पापा मामा को या नहीं तो जो ओल्ड पीपल है उनका बच्चों को हमने रिपोर्ट करना है कि क्या चल रहे थे, यानी तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या खाया, सभी रिपोर्ट करना होता है। ये तो एक डिटेल कोर्स है, सो एक्चुअली वो भी हमने सिखाएंगे। एंड आपको ये भी सिखाएंगे कि न्यूट्रिशन मीन्स उनका न्यूट्रिशन कैसे हमने मेंटेन करना है और उनका डाइट कैसे प्लान करना है, वो सभी हमने सिखाएंगे कोर्स में। एंड सी कम्युनिकेशन लेवल में आपको बहुत अच्छे होना चाहिए, अगर आप बाहर जाने के लिए सोच रहे हो, इंडिया में हो तो आपको कम्युनिकेशन लेवल यू मे नो दैट हिंदी या इंग्लिश जो भी है आपको पता ही होगा, इधर तो ये चलेगा, बट बाहर जाने के लिए आपका कम्युनिकेशन लेवल भी सही होना चाहिए, वो सभी हमने सिखाएंगे एक नैनी केयर गिवर के कोर्स में। देन
अगर आप कनाडा जा रहे हो तो हमने हमारी कोर्स में होगा कि कनाडा के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह होगा, इन द सेंस क्या है कि कनाडा में आपको आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपने कैसे वहां पे कुछ करना है या नहीं, तो आपके राइट्स क्या क्या है, आपको क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सभी के बारे में और कनाडा के बारे में भी बेसिकली आपको जो जो चाहिए वो सभी हमने सिखाएंगे ये कोर्स में। देन सी अभी जो सबसे रिवाइज्ड सिलेबस है हमारा, क्योंकि जो इंटरनेशनल नानी एसोसिएशन के हिसाब से नया सी प्रपोजल्स और उनकी इंस्ट्रक्शंस आया हुआ है, ये भी हमने सिखाना है, वो भी हम सिखा रहा हूँ। सो कैनेडियन स्टाइल में और कैनेडियन सिलेबस पे क्लासेस होगा, इंटरनेशनल नानी एसोसिएशन की पूरे इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करता हूँ। ये आपको पूरा की पूरा मीन्स 100% आपको वैलिड है फॉर कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री में आपने जाना हो। सो कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसके बिना भी जा सकता है या नहीं। सी एक्चुअली आई वुड से नो, क्योंकि बात यही है, अगर आप नेट्स हो या नहीं तो कोई भी हो, मीन्स ग्रेजुएट्स हो या कोई भी हो, सो मैं आपको अगर आप पोस्ट बीएससी नेट्स हो या नहीं तो कोई डॉक्टर हो, मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आपने ये मस्ट करना है। सी बट आई रेकमेंड यू टू डू दैट, बिकॉज ये इससे लिए बनाया हुआ है, ये को स्पेशली डिजाइन किया हुआ है अगर आपने बाहर जाने के लिए सोच रहे हो तो। सो ये तो करना ही पड़ेगा, सभी स्टूडेंट्स ने करना पड़ेगा। इसके बिना आप देखो, आपने एक कोर्स करने आपने एक जॉब करने जा रहे हो, वहां जाके आपने किसी को सपोर्ट करने है, आपको नहीं पता है कि आप सीपीआर कैसे करें या नहीं तो फर्स्ट एड कैसे करें या नहीं तो कोई भी बेसिक लाइफ सपोर्ट आपको नहीं पता है, आपके पास कोई बच्चे छोड़ के चले गया किसी ने, तो आप कैसे उनको केयर करेंगे, कैसे सी हाउ द पर्सन अदरवाइज द एम्प्लॉयर बी सैटिस्फाइड विथ यू अदरवाइज, सो उनको कैसे पता चलेगा कि आप उनको कैसे केयर करेंगे, राइट? सो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इसीलिए एक कोर्स तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर लेते हैं, सर इसके बिना हमें क्या ऑप्शन है? सी मेरे पास इसके बिना ऑप्शन है ही नहीं, एंड सो इसीलिए ये तो करना ही पड़ता है। हमने भी आप देखो, आपको जो कोर्स कराता हूँ, आप सोचो कि ये कभी भी इतनी डिफिकल्ट है ही नहीं, बट बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, दैट्स द रीजन। सो ये करना ही पड़ेगा। सो एज आई टोल्ड यू, हमारे सिलेबस में ये सभी होगा, प्लस आपको बाहर जाने के लिए कोई भी कंट्री में आप जा रहे हो, सो उसमें रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी आपको इंटरव्यू में आ सकता है, वो सभी क्वेश्चंस को हमने कवर अप कर लेंगे इसी में। एंड आपको मॉक इंटरव्यूज होगा, एंड सी एक्सैक्टली इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वही क्वेश्चन हमने मॉक इंटरव्यूज में देंगे। आपको कभी भी कोई इंटरव्यू अटेंड करने का कोई फियर ही नहीं होगा। सो ये सभी होता है नानी केयर गिवर कोर्स में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई टोल्ड यू, सो इंडिया में आपको क्या ऑप्शन है, इंडिया में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सी एक्चुअली हमारे पास कम से कम महीने में कम से कम 20-30 कॉल्स आ जाते हैं, हमें नानी चाहिए ऐसे बोल के। एंड आपको पता ही है इंडिया में नानी ऐसे नानी कोई कोई जाके जॉब करना वो तो नॉर्मली पीपल डोंट लाइक दैट, राइट? सो अगर आप लोग करना चाहते हो, सी एक्चुअली सैलरी कभी भी कम नहीं है। सी एक्चुअली द पीपल हु आर कॉलिंग अस दे आर नॉट फ्रॉम ना ऐसे कोई फैमिली ऐसे नहीं है। सी एक्चुअली दे आर वेल रिप्यूटेड एंड वेल इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर नहीं तो कुछ सेलिब्रिटीज वगैरह है। सो उनको भी नैनीज का जरूरत है, बट जो स्किल्ड नैनीज का, राइट? सो कम से कम आपको सैलरी 30,000 प्लस ही होगा। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो, सी अगर बाहर जाने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कोई भी कंट्री में जाने के लिए, सो दैट्स 100% वैलिड कोर्स। एंड इसका सर्टिफिकेट भी हमने देंगे, गवर्नमेंट साइड से देंगे, राइट? देन आपको इंडिया में भी, आपने बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, आपने इंडिया में ही जॉब करना है, स्टिल वी हैव ऑप्शंस। इसका इंडिया की जो वैकेंसीज है वो 100% हम अश्योर कर रहा हूँ, वी कैन फिल दैट। सो और बाहर जाने के लिए भी वी हैव फाइलिंग असिस्टेंस, हम फाइलिंग करते हैं इसके रिलेटेड कोई भी, मीन्स बाहर जाने के लिए अपने अगर आईलेट्स करना हो, यूके वीआई करना हो, और नहीं तो वेस्ट ईसीए कुछ भी करना हो, इसके लिए सभी के लिए असिस्टेंस हमारे साइड से होगा। सो कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अदरवाइज वी कैन विजिट अस इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस, वी हैव ब्रांचेस इन गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, संगरूर, लुधियाना, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन मोहाली ऑल्सो। सो कोई भी ब्रांचेस में आप आके विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज द नंबर, सो एक्चुअली ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको ठीक लगा है तो सी एक्चुअली जस्ट गिव अस ए लाइक, एंड और सी बाकी किसी को भी
आपको लग रहा है कि ठीक है ये वैलिड है तो आप उनके साथ शेयर कर देना. एंड द सेकंड थिंग, यू कैन सब्सक्राइब दिस टू दिस चैनल. सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल को एंड यू विल गेट मोर वीडियोस रिगार्डिंग दिस. थैंक यू.